सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सतनाम कहो बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम कहो बंदिया वाहे गुरु कह। समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा शहर है लेह। इस पूरे इलाके को लोग कोल डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां की खूबसूरती, नीला आसमान और प्राकृतिक सुंदरता दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर में प्रसिद्ध मोनेस्ट्रीज भी यहां पर मौजूद हैं और लेह लद्दाख की ज्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है। लेकिन इस धरती पर कई सदियों पहले आगमन हुआ था एक ऐसे महापुरुष का जिसने यहाँ के लोगों के दुख और तकलीफ को अपनी मौजूदगी और आशीर्वाद से दूर कर दिया था। हरे अमृत बाणी राम, हरे अमृत बाणी राम। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान लेह पहुँचे थे और आज भी उनके आने के प्रमाण इस धरती पर मौजूद है। लेह से लगभग 25 किलोमीटर दूर लेह श्रीनगर हाईवे पर मौजूद ये सड़क श्रद्धालुओं को पहुंचाती है उस पवित्र स्थान तक जहां पर मौजूद है 1515 ईस्वी को घटित हुई एक रोचक घटना के प्रमाण। लेह से लगभग 25 किलोमीटर दूर आप चलेंगे तो आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब तक पहुंचेंगे और ठीक सड़क पर एक तरफ गुरुद्वारा पत्थर साहिब आपको दिखाई पड़ेगा और गुरुद्वारा पत्थर साहिब तक पहुंचने से पहले कुछ बातें जाननी आपको बेहद जरूरी है क्योंकि लेह लद्दाख का सफर करना अपने आप में थोड़ा दुरूह होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए और मेडिकल जांच करवा के आएँ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो यहाँ आने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक बार अगर आप गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुँचेंगे तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपकी तमाम थकान दूर हो जाएगी। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब का पूरा इतिहास जानने से पहले लेह और लद्दाख के लिए उन बेहद खास पलों को जानना बेहद जरूरी है जब श्री गुरु नानक देव जी के कदम इस धरती पर पड़े थे। श्री गुरु नानक देव जी के कदम इस धरती पर पड़े और इस महान संत ने लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान नेपाल तिब्बत से होते हुए जब लेह सिटी में पहुंचे तो वहां आकर के उन्होंने अपना जो स्थान है, जो लेह सिटी के अंदर है, एक दातन साहब गुरुद्वारा है, वहां के लोगों ने उनको अरदास की कि यहां हमारे पेड़ पौधा कोई नहीं होता और आप कृपा करो कि यहां हरियाली हो जाए। तो गुरु जी ने एक जड़ की दातन करके वहां पे उसको लगा दिया, जिसका आज भी वहां पे एक पेड़, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है और वहां एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है दातून साहिब। गुरुद्वारा श्री दातून साहिब में आज भी वो पेड़ मौजूद है जिसे यहाँ के लोग अपने लिए श्री गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ा उपहार मानते हैं। लेकिन जब महान संत के कदम कहीं पड़ते हैं तो लोगों का कल्याण होता ही रहता है और लोक कल्याण की एक ऐसी ही कथा जुड़ी है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से भी। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब सिर्फ लेह के लोगों के लिए नहीं, देश और दुनिया से यहाँ पहुँचने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के ठीक सामने मौजूद इस पहाड़ी को नानक हिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पहाड़ से भी जुड़ती है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के निर्माण की कथा। इस कथा को सुनने से पहले हम आपको गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के अंदर ले चलते हैं जहां पर भक्ति और आस्था का सैलाब बहता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी लेह लद्दाख पर भी आए थे
और यहाँ पर आकर उन्होंने एक राक्षस से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई थी और उसी की याद में बना है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे के अंदर जाकर हम आपको बताएंगे आखिर क्या है पत्थर साहिब गुरुद्वारे का महत्व और कब यहाँ पर हुई पत्थर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के अंदर पहुंचकर सबसे पहले हमको श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अलौकिक दर्शन हुए। शस्त्र एक ओंकार और खंडा के स्वरूप को नमन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब हमें नजर आता है वो दिव्य पत्थर जिसकी वजह से गुरुद्वारा साहिब को श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। जिनको कर्म लिखी तिस हृदय समाणी राम, जिनको कर्म लिखी। इस दिव्य पत्थर की कथा भी काफी रोचक है जो उस दौर से जुड़ती है जब श्री गुरु नानक देव जी इस जगह पर पहुंचे थे। गुरु जी ले से चल के जब श्रीनगर को जाने लगे तो ये रास्ते में जो गुरुद्वारा पत्थर साहब आता है जहां हम खड़े हैं आज, यहां पर गुरु जी आए और यहां के जो लोग थे, एक गांव है यहां पे, उस गांव के लोगों ने यहां बोला कि यहां गुरुद्वारा की बैक साइड में हाईवे रोड है जो ले और श्रीनगर को जाता है ले से, और उस हाईवे के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक पहाड़ी है जहां एक राक्षस एक दानव रहता था। उसने क्या किया कि जब गुरुजी यहां पे पधारे, यहां पे आए, लोगों ने बोला कि ये राक्षस है जो ये हमारे बच्चों को ले जाता है, हमारे को खा जाता है, जहां तंग करता है, तो गुरुजी ने यहां बैठ करके फिर अपनी भक्ति में लीन हो गए और उस राक्षस ने ऊपर से पहाड़ी से एक पत्थर फेंका, बहुत बड़ा पत्थर, कि जो संत नीचे आया हुआ है वो इस पत्थर के नीचे दब के मर जाएगा। नालाखेल के नाम से मशहूर ये वही पहाड़ी है जहां से उस राक्षस ने गुरु नानक देव जी के ऊपर पत्थर फेंका था। यहां पर अब भी वो निशान मौजूद है। यहां पर बने एक चित्र में भी उस घटना को दर्शाने की कोशिश की गई है, किस तरह से राक्षस ने श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर पत्थर से वार किया था। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के ग्रंथी ने हमें बताया किस तरह आज से सदियों पहले इस पहाड़ से राक्षस ने पत्थर फेंक कर एक महान संत पर हमला करने की कोशिश की थी। जैसे कि आज हम दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के और ये बार का दृश्य आप जो देख रहे हैं, यहाँ सामने जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ से उस राक्षस ने पत्थर फेंका था गुरु नानक देव जी के ऊपर, जो आके उनके साथ टच होते ही मोम का रूप जिसने धारण कर लिया था और वो हम अंदर देख रहे हैं। पहले हम देख चुके हैं कि अंदर जैसे उनका स्टैचू बना हुआ है, वो पत्थर इस बैरक के अंदर जो गुरुद्वारा साहिब स्थापित है उसकी बैक साइड में है और यहाँ से फिर वो राक्षस जो नीचे चल के आया था, फिर उसने देखा कि गुरुजी अभी समाप्त हो गए होंगे, जहाँ कि उन्होंने देखा कि मैंने पत्थर फेंका तो क्या होगा उनका, उन्होंने नीचे आके जैसे ही राक्षस ने देखा तो यहाँ पे जो अंदर हमने देख चुके हैं गुरुद्वारा के अंदर इतिहास बताया गया है कि वहाँ पे आके उसने फिर उस पत्थर में पैर मारा, पैर मारने के बाद उसको पता चला कि ये पत्थर जो है मोम का हो गया है। राक्षस ने सोचा था कि वो किसी आम व्यक्ति पर हमला कर रहा है, लेकिन राक्षस को बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि लेह की धरती पर किसी आम व्यक्ति के नहीं बल्कि एक महापुरुष के कदम पड़े हैं। उसने पत्थर फेंका तो गुरुजी अपने ध्यान में लीन थे, तो ऊपर से जब पत्थर आया तो जब गुरुजी की पीठ से वो पत्थर टकराया तो उसने मोम का रूप धारण कर लिया और वैसे ही स्केच जो आप देख रहे हैं सामने दिख रहा है कि गुरुजी बैठे हुए थे जैसे जैसे, उनका स्केच सेम टू सेम वैसे बना हुआ है। और उस राक्षस ने पहाड़ी से जब उतर करके आके देखा कि मैं देखता हूं जो संत है वो इस दुनिया से चला गया होगा, लेकिन जब आया तो गुरुजी अपनी समाधि में लीन बैठे थे। उस राक्षस ने फिर गुस्से में आकर के इस पत्थर के अंदर देखा कि क्या हो गया है और उसने एक अपना पैर है, जो ये निशान आपको पैर का भी दिखेगा इस पत्थर के अंदर, ये पत्थर में जो निशान लगा हुआ है राक्षस के पैर का है, उसने देखा कि पत्थर को क्या हो गया है। जब उसने पत्थर में पैर मारा तो उसका पैर जो इसी में गड़ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ।
जिस पत्थर से राक्षस श्री गुरु नानक देव जी की जान लेना चाहता था वो पत्थर श्री गुरु नानक देव जी के स्पर्श मात्र से मोम का बन गया था। इसके बाद राक्षस भी श्री गुरु नानक देव जी के सामने नतमस्तक जो गलती की उसकी माफी मांगी और उसने अपने उद्धार के लिए बोला कि गुरुजी आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा उद्धार करो। फिर गुरुजी ने अपना उपदेश उसको दे करके यहां से फिर आगे का जो उनकी यात्रा है श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए वो करतारपुर जाकर के उन्होंने अपनी जो दूसरी उदासी की थी वो समाप्ति की। 1515 से लेके 1517 के बीच में ये दूसरी उदासी उन्होंने अपनी की थी जो तिब्बत, नेपाल, ले, श्रीनगर और करतारपुर में समाप्त की थी। ये इतिहास है इस गुरुद्वारा साहिब का। अपनी दूसरी उदासी के दौरान श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पर पहुंचे थे और इस दौरान श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर ध्यान भी लगाया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस साइड में हम देखेंगे ऊपर यहाँ गुरु जी का गुरुद्वारा बना हुआ है तप स्थान गुरु नानक देव जी साहिब। और गुरु नानक देव जी यहाँ पे 10 से 15 दिन रह करके अपना भक्ति में लीन रहे। ये उनका तप स्थान बना हुआ है, गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुद्वारा यहाँ पे बहुत सुंदर ऊपर बना हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी के कदम इस धरती पर पड़े और लेह के लोगों को न सिर्फ हरियाली का वरदान मिला बल्कि एक दुष्ट राक्षस को भी श्री गुरु नानक देव जी ने उपदेश देकर लोकहित के कार्यों में लगा दिया।